Beautiful seventh graders, I hope you all are safe and sound, taking all the COVID measures, and I also hope आप सब regularly अपनी half yearlies के लिए भी पढ़ रहे होंगे. In fact, हो सकते हैं अभी आपके half yearlies चल रहे हों, because mid September में usually half yearly exams हो रहे होते हैं. And we have to ace all our exams, सारे half yearly सारे exams हमें बहुत अच्छे marks के साथ pass करना है. But हम pass अच्छे marks के साथ करेंगे कैसे? Then of course, An Academy is the solution. With An Academy, you can ace all your school exams. And अगर आपको An Academy पे आप अगर plus subscription चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है An Academy app download करना पड़ेगा. उसके बाद आपको जो है जिस भी course में आपको अपने आप को enroll करना है उसमें आप enroll कर सकते हैं. तो आपको science पढ़ना है, maths पढ़ना है, English पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, या फिर कोई और subject के लिए prepare करना है, कोई exam के लिए prepare करना है, जैसे आगे जाके आपको IIT देने का मन है या UPSC crack करना है, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम आपको देना है या कोई भी आपके क्लास रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको आप An Academy के ऐप पे पढ़ सकते हैं. आप यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी An Academy के देख सकते हैं. और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जो है An Academy का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. वंस यू डाउनलोड द ऐप, यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स विच यू वॉन्ट. अलग अलग पैकेजेस होते हैं जो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा An Academy के ऐप पे. सो जो भी पैकेज आप लेते हो उसपे क्या रहेगा, अगर आपको वो प्राइस पे 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको जो है मेरा कोड यूज करना पड़ेगा विच इज मेंशन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. बट आई विल रिपीट माय कोड वंस अगेन फॉर यू गाइस, दैट इज PJAIN10. सो व्हेन यू यूज माय कोड आपको मिलता है सीधा सीधा 10% ऑफ जो भी कोर्स आपको पढ़ना है. अब सवाल ये आता है कि An Academy पे हम पढ़े क्यों? तो An Academy पे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको दुनिया भर के बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे. एंड दैट्स व्हाई An Academy इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. तो ये क्या बेनिफिट्स है? पहला बेनिफिट तो देखो ये है कि An Academy पे यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. Yes, at An Academy, the educators who will be teaching you your respective courses are highly qualified in their respective fields, and they are the top educators of India. पूरे इंडिया में से जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है An Academy के थ्रू. सो दैट्स वाई दे आर द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. इसके अलावा An Academy पे जो है लाइव टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, डेली MCQs होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और फन क्विज होते हैं जो आप सब पार्ट ले सकते हैं. प्लस An Academy पे आप एजुकेटर से लाइव अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. आपको कोई भी एकेडमिक डाउट है आप एजुकेटर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे वो सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं. आपको कोई डाउट है क्लास के बीच में तो भी आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं. इसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटोर हु विल यू नो काइंड ऑफ गाइड यू कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए. ये आपको जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, पर्सनल मेंटर. बट अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको एक फ्रेंड जैसे एक मेंटर मिलेगा जो आपको गाइडेंस देता रहेगा कि कैसे पढ़ो, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं. प्लस आपको वीकली रिपोर्ट्स भी An Academy के थ्रू मिलेंगी इफ यू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में हम टूवर्ड्स द एंड भी बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इन दोनों सब्सक्रिप्शन को अगर आप को लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं एंड में भी बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो. बट अभी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि अभी के अभी An Academy ऐप डाउनलोड कीजिए एंड एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस. और फिर जो भी पैकेज आप लेना चाहते हैं, 6 मंथ्स का पैकेज, 12 मंथ्स का पैकेज, 15 मंथ्स का पैकेज, जो भी पैकेज आप लेंगे उस पर आप अनलिमिटेड कोर्सेज पढ़ सकते हैं, आप अनलिमिटेड प्रिपरेशंस कर सकते हैं. एंड उन पैकेजेस पर अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10. बिकॉज व्हेन यू यूज माय कोड तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिल जाता है. तो बेनिफिट्स तो An Academy के बहुत हैं, बट एक गारंटी जो मैं आपको दे सकती हूँ फुल फ्लेजिडली, दैट इज वंस यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द An Academy, आपको अपने बच्चों के, या अगर आप खुद 7th स्टैंडर्ड में हैं या कोई दूसरी क्लास में है और ये वीडियो देख रहे हैं, एंड अगर आपने अभी तक ये सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है An Academy का प्लस सब्सक्रिप्शन,
तो एक गारंटी जो मैं आपको फुल फ्लेजेडली दे सकती हूँ वो ये है कि आपको अपने रिजल्ट्स विद इन अ वीक इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे. सो यू विल नॉट रिग्रेट कि अनअकैडमी पे क्यों पढ़ रहे हैं, कि क्यों सब्सक्रिप्शन ले लिया, बिकॉज अनअकैडमी पे पढ़ाई हो जाती है बहुत ही मज़ेदार वे में. सो वी लर्न इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, इन अ वेरी फन मैनर, जहाँ पे टीचर्स आपके काइंड ऑफ फ्रेंड्स ही होते हैं. दे अंडरस्टैंड यू, दे क्लियर ऑल योर डाउट्स, दे आर योर मेंटर्स. तो अनअकैडमी पे पढ़ने में ना बहुत मजे आते हैं, आई मीन इट. अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स या कैसे होता है, क्या होता है का थोड़ा सा ट्रायल चाहिए, तो आप अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं. दी स्पेशल क्लासेस आर टोटली फ्री, बिल्कुल फ्री है. स्पेशल क्लासेस अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. बट स्पेशल क्लासेस इज बेसिकली टू गिव यू जस्ट ऑफ कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्लासेस कैसे होने वाली है, तो एक आइडिया मिल जाता है स्पेशल क्लासेस में. बट स्पेशल क्लासेस में पूरे चैप्टर कवर नहीं किए जाते, ओनली 70% ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड. बिकॉज स्पेशल क्लासेस के पीछे आइडिया ये है कि आपको थोड़ा सा एक जेस्ट मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो क्लासेस किस तरह से होने वाली है. सो अगर आपको थोड़ी ट्रायल क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, विच आर टोटली फ्री. वहाँ पे बहुत फन तरीके से पढ़ाया जाता है. अभी मैं जितने फन तरीके से पढ़ा रही हूँ शायद उससे भी ज़्यादा मज़े आपको आए. प्लस वहाँ पे आप एजुकेटर से इंटरेक्ट भी कर सकते हो, विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल इन दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है. सो अगर आपको मुझसे इंटरेक्ट करना हो, कोई डाउट पूछने हो, तो हेड ऑन टू स्पेशल क्लासेस विच हैपन्स ऑन द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप. सो यू कैन मीट मी देयर ऑल्सो. सो नाउ वील जस्ट मूव अहेड विद टूवर्ड्स आर चैप्टर. अनअकैडमी के बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिया, आप स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं विच आर काइंड ऑफ ट्रायल क्लासेस, और मैं सारे सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स फीचर्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, वी विल कवर दिस चैप्टर विच इज चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता सकती हूँ, और बताना भी चाहिए मुझे, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ अनअकैडमी की बातें कर रही थी. तो नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माय सेल्फ. सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी. आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7 एंड आई डिड माय बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स अ चैप्टर दैट इज चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस फ्रॉम द सिविक्स सब्जेक्ट. हम मार्केट के बारे में अलग अलग चीज़ें जानने वाले हैं, अलग अलग टाइप के जो मार्केट होते हैं हमारे आसपास, जिनसे हम काफ़ी परचेजिंग करते हैं, बट जनरली हमें पता नहीं होता कि ये वाला मार्केट किस टाइप का है. इस टाइप के मार्केट्स को क्या बोलते हैं, हाउ डू द प्रोडक्ट्स कम इन दीज मार्केट्स, एंड क्या पूरा प्रोसीजर होता है, हम बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बट उससे पहले क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगी, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे एंड यू विल एस योर एग्जाम्स. उसमें मुझे कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है दैट यू विल पास योर मार्क्स विद वेरी गुड मार्क्स. बट क्या उसके बाद भी हमारी नॉलेज कंप्लीट होगी? तो ये नॉलेज तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हमें पूरे प्रॉपर तरीके से हर चीज ना पता हो. और जब हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज चाहिए, देन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज सिविक्स, तो उसका क्या मीनिंग होता है, राइट? क्योंकि मैं तो चैप्टर पढ़ा दूंगी, आप चैप्टर पढ़ भी लेंगे बहुत अच्छे से, बट ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसका वो चैप्टर है, उस सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है. सो अगर मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाऊँ कि सिविक्स का क्या मतलब होता है, तो सिविक्स बेसिकली मीन्स द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, हम सोसाइटी का एक पार्ट है. सो एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज पार्ट एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज पार्ट ऑफ दिस कंट्री और सम स्टेट, वी हैव सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज. राइट्स मतलब होते हैं हमारे अधिकार, हमारे कुछ अधिकार होते हैं एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्रीज, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू लाइफ हो गया. ये सारे राइट्स हम ओवर द ईयर 6 स्टैंडर्ड से अभी तक पढ़ते आ ही रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द राइट्स, वी ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज एज सिटीजन, जैसे कि इलेक्शंस के टाइम हमारी वोट डालना एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है. एज सिटीजन्स हमारी
मॉरल ड्यूटीज और भी बहुत सारी होती है, सिविक ड्यूटीज बहुत सारी होती है, पॉलिटिकल ड्यूटीज होती है. सो अगर ये सारी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एनी सिटीजन्स अगर हम किसी सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, दैट इज सिविक्स. सो आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सिविक्स की बुक खोलोगे, आपको एकदम से क्लिक होगा कि आज तो मैं है राइट्स एंड ड्यूटीज, कुछ समथिंग रिलेटेड टू राइट्स एंड ड्यूटीज ही पढ़ने वाली हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट सिविक्स इज ऑल अबाउट. या फिर जब भी कभी आप अपना सिविक्स का एग्जाम देने जाएंगे, या फिर यू नो कभी वर्ड भी सुनेंगे लोगों को आपस में बात करते हुए, अरे सिविक सेंस ही नहीं है, या सिविक्स नहीं पढ़ी थी क्या, कुछ भी ऐसा, तो जब भी आप ये वर्ड भी सुनोगे सिविक्स, तो आई एम श्योर आपको क्लिक हो जाएगा दैट सिविक्स बेसिकली मींस द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि सिविक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है. एंड नाउ फाइनली मूविंग टुवर्ड्स आवर चैप्टर, दैट इज मार्केट अराउंड अस. तो पहले तो हम समझते हैं मार्केट्स क्या होते हैं. व्हाट डज दिस टर्म मार्केट मींस? सो इन अ वेरी सिंपल वे इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, मार्केट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर वी बाय एंड सेल थिंग्स. यानी कि जो भी चीजें हम खरीदते हैं, जैसे कि कोई पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या कोई खाने की चिप्स हो गए, केचप हो गई, या फिर यू नो चॉकलेट्स हो गए, या कोई भी चीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर ये सारी चीजें हम कहीं से खरीदते हैं, the place where we buy any kind of product, that is known as market. Now we buy certain things, but there are also people who sell those things. तो कुछ लोग होंगे जो हमें chocolate sell कर रहे होंगे, chips की shop पे हमें chips sell कर रहे होंगे, bakery की shop पे pastries sell कर रहे होंगे, या कोई भी चीज, कुछ भी जो लोग sell करते हैं. तो जहाँ पे buying and selling takes place, जहाँ पे कुछ चीजों को खरीदना और कुछ चीजों को बेचा जाता है, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट्स. आई होप आपको ये क्लियर होगा. इनफैक्ट आई थिंक मार्केट्स तो हमें बहुत पहले से ही पता होता है कि मार्केट का मीनिंग क्या है, राइट? बट क्या हमें पता है कि हमारे आसपास जितने मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स का नाम क्या है, या मार्केट्स कितने टाइप के होते हैं? तो फ्रेंड नॉट, इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के मार्केट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, देयर फीचर्स, what exactly makes them a particular market. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट्स. वीकली मार्केट्स क्या होते हैं, क्या होता है वीकली मार्केट्स में, कब ये मार्केट्स लगते हैं, as the name suggests weekly, तो इसका क्या मीनिंग है, हम सब वीकली मार्केट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं. उसके बाद we'll understand the shops which are in our neighborhood, हमारे आसपास जो मार्केट्स हैं या दुकानें हैं हमारे आसपास, कोई भी दुकानें हो सकती है, किसी भी टाइप की दुकानें हो सकती है. तो हमारे आसपास कोई दुकानें हैं तो किस टाइप की दुकानें हो सकती है. इसके अलावा वील ऑल्सो स्टडी अबाउट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स. आई थिंक मॉल ऐसा टर्म हो चुका है आज के टाइम पे कि यू नो मॉल सबको पता होता है मॉल क्या होते हैं, जहाँ पे ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं, बहुत सारी फ्लोर्स होती हैं, शॉप्स ही शॉप्स होती हैं. सो दैट्स बेसिकली वन प्लेस वेयर यू कैन यू नो डू ऑल काइंड ऑफ शॉपिंग. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स वो होते हैं, हम बहुत डिटेल में अभी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड लास्टली वील ऑल्सो अंडरस्टैंड चेन ऑफ मार्केट्स, यानी कि मार्केट्स की जो अलग अलग एक चेन बन जाती है, अलग अलग टाइप के जो मार्केट्स होते हैं, कैसे वो, हाउ दे आर यू नो रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दिस द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस. सो हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में इवेंचुअली एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं. सो स्टे ट्यून, यू हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस होल चैप्टर, दैट इज ऑन मार्केट्स. स्टार्टिंग विथ वीकली मार्केट्स. तो ये वीकली मार्केट्स होते क्या है? सो एज द नेम सजेस्ट वीकली मार्केट, ये ऐसे मार्केट्स होते हैं जो एक किसी स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक लगते हैं. जैसे मान लीजिए ट्यूसडे को ये वीकली मार्केट्स लग रहे हैं, या फिर संडे को कोई स्पेशल वीकली मार्केट लग रहा है. तो जब कि पूरे वीक में किसी एक स्पेसिफिक दिन जब कोई मार्केट लगता है किसी भी एरिया में, तो उसको हम कहते हैं वीकली मार्केट. और बिकॉज मैं दिल्ली में पढ़ी भी हूँ, तो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, दैट इज लक्ष्मी नगर में हर ट्यूसडे को मंगल बाजार लगता था. दैट वॉज द वीकली मार्केट ऑफ लक्ष्मी नगर, जहाँ पे ट्यूसडे को है, यानी कि मंगलवार के दिन, जो
शॉप ओनर्स थे वो रोड साइड पे अपने सारे प्रोडक्ट्स लगाते थे, और ये मार्केट सिर्फ ट्यूसडे को ही लगता था। तो ऐसे मार्केट्स को जो पूरे वीक के किसी एक स्पेसिफिक दिन लगते हैं उन मार्केट्स को कहते हैं वीकली मार्केट्स। अब क्या होता है, ये मार्केट्स वीक के एक स्पेसिफिक दिन लगते हैं, यानी वीक में 7 डेज है तो किसी एक पर्टिकुलर दिन ही लगते हैं। तो जिसके कारण से दीज मार्केट्स जो शॉप ओनर्स होते हैं जो इन मार्केट्स में चीज़ों को बेचते हैं, दे डू नॉट हैव अ परमानेंट शॉप, यानी कि कोई पक्की दुकान नहीं है। इनको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं पे अपना मार्केट लगा लेते हैं, एंड यूजुअली दे सिट ऑन द रोड। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी कुछ मार्केट्स में सड़क के किनारे लोग एक चादर पे अपने सारे प्रोडक्ट्स रख लेते हैं, एंड आते जाते लोग देख के चले जाते हैं कि आप क्या बेच रहे हैं, कुछ अच्छा लगता है तो खरीद लेते हैं, राइट? तो वीकली मार्केट, द शॉप ओनर्स हु सेल प्रोडक्ट्स इन वीकली मार्केट डू नॉट हैव अ परमानेंट शॉप। एंड जो खरीदने वाले लोग आते हैं वो भी यूजुअली अपनी रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जैसे कि साबुन, तेल, कंघा एक्सेट्रा, ऐसी जो चीजें होती है जो डे टू डे लाइफ में हमें काम आती है, वो ही चीजें इन बाजारों में बेची जाती है। जैसे कि आप इस इमेज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वहां पे भी देख सकते हैं कि देयर इज अ गाय हु इज सिटिंग ऑन द रोड एंड ही इज सेलिंग स्पाइसेस। जो मसाले हमारे खानों में डलते हैं वो ही मसाले बेच रहे हैं। जो चीजें वीकली मार्केट्स में यूजुअली बेची जाती है, दैट्स मोर ऑफ हमारी एवरीडे रिक्वायरमेंट्स की चीजें, कि जो चीजें हमें डे टू डे बेसिस पे काम आती है ऐसी चीजों को वीकली मार्केट्स में बेचा जाता है। एंड बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें होती है, एवरीडे रिक्वायरमेंट्स होती है, तो एक ही जगह पे हमें बहुत सारी चीजें खरीदने को मिल जाती है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस, राइट? तो एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है वीकली मार्केट्स का कि मोस्ट थिंग्स दैट पीपल नीड, जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स होती है, सारी एक ही जगह पे, एक ही मार्केट पे, ऑल ऑफ दोस आर अवेलेबल एट वन प्लेस। अब क्या होता है, ये जो शॉप ओनर्स होते हैं वीकली मार्केट्स के, यानी कि जो रोड पे अपनी दुकानें चद्दर लगा के अपनी दुकानें टाइप से छोटी छोटी वीकली वीक के किसी स्पेसिफिक दिन अपनी दुकानें लगाते हैं रोड साइड, ये क्या करते हैं, ये सुबह सुबह अपनी दुकानें लगाते हैं और शाम को जो है सब पैक करके अपने घर चले जाते हैं। बिकॉज वीक के एक स्पेसिफिक दिन ही ये दुकानें लगती हैं, बाकी के बचे हुए 6 दिन तो लगती नहीं है। तो स्पेसिफिक दिन, जैसे लेट्स से ट्यूसडे को वीकली मार्केट लग रहा है आपके जो भी एरिया में आप रहते हो, वहां पे ट्यूसडे को ये वीकली मार्केट लग रहा है, तो जितने भी शॉप ओनर्स होंगे क्या करेंगे, सुबह सुबह आके अपना सारा सामान लगा लेंगे और शाम होते होते तक सब पैक करके ओके टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। सो इनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती, जहां इन्हें जगह मिल जाती है वहीं पे ये अपनी दुकान लगा लेते हैं। They can set up at a different place the next day. जैसे कि आज ट्यूजडे के दिन लक्ष्मी नगर में अपना सामान लगा लिया, फिर वेडनेसडे के दिन लेट्स से सरिता विहार में अपना सारा सामान लगा लिया, देन थर्सडे के दिन लाजपत नगर में अपना सारा सामान लगा लिया। तो इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती कि आज अगर आपने ट्यूजडे को इनको इस जगह देखा है तो अगले ट्यूजडे भी वो यही मिलेंगे। जहां उनको जगह मिलती है वो वहां पे अपनी दुकान लगा लेते हैं। दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वीकली मार्केट्स। सो वीकली मार्केट्स, अगर हम क्विकली रिकैप करें तो वीकली मार्केट्स एक वीक के स्पेसिफिक दिन पे मार्केट लगता है, क्योंकि स्पेसिफिक दिन ही मार्केट लगता है तो इनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, एंड द पीपल हु कम टू दीज मार्केट्स, द कंज्यूमर्स, दे यूजुअली बाय एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू देयर डे टू डे लाइफ। जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो ही यूजुअली इन मार्केट्स में बेची जाती है, प्लस ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस, एंड ट्रेडर्स सेट अप देयर शॉप्स इन द मॉर्निंग एंड शाम होते होते तक सब पैक करके चले जाते हैं। अगले दिन ये लोग किसी अगले दूसरे मार्केट में मिल सकते हैं। सो दैट्स अबाउट वीकली मार्केट। बट अब क्या होता है, वीकली मार्केट्स में जो है जो सामान मिलता है वो बहुत कम रेट्स में मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। सो मेनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट अ वेरी चीप रेट्स, एंड चीप रेट्स यानी कि बहुत सस्ती रेट्स में सामान हमें मिल जाता है। एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि ऐसा वीकली मार्केट्स में क्यों होता है कि जो सामान है
वो बहुत रीजनेबल रेट्स में, बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो शॉप ओनर्स हैं, दे डू नॉट हैव टू पे, कोई रेंट नहीं देना, सड़क पे ही अपनी दुकान लगा लेते हैं, तो कोई बिजली का बिल नहीं पे करना उनको, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना, कोई रेंट नहीं देना उन्हें लैंडलॉर्ड को, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं भरना, प्लस उनको जितना भी उनका सामान होता है उनको किसी स्पेशल गैराज में या गोडाउन में जाके स्टोर नहीं करना। वो लोग जितना सामान वो लोग लगाते हैं वो अपने घर लेके चले जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा सामान नहीं होता है, और सारे सामान जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ईजिली घर पर स्टोर किए जा सकते हैं। सो दैट्स वाई द रेट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी चीप, कि कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तो होते नहीं हैं, दे आर यूजली रिलेटेड टू आर डे टू डे लाइफ। सो मेनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स बिकॉज द शॉप ओनर्स डू नॉट हैव टू पे एनी रेंट, दे डू नॉट हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, दे डू नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ फीस और टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, अनलाइक द शॉप्स विच आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स, यानी कि जो दुकानें परमानेंट होती है, जो प्रॉपर शॉप्स होती हैं, परमानेंट शॉप्स होती है, वहाँ पे जो शॉप ओनर्स हैं, हो सकता है उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता हो सकता है उनको रेंट देनी पड़ती हो, उनको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता होगा, इसलिए उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। बट वीकली मार्केट्स में क्या है, उनको रोड साइड में जहाँ जगह मिल गई वहाँ अपनी दुकान लगा के बैठ जाते हैं, तो उनको ना तो कोई रेंट भरनी है, ना गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना है, ना किसी टाइप के इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल या किसी भी टाइप के बिल पे करना है। इसलिए वीकली मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस बहुत कम होते हैं, बहुत चीप प्राइस पे हमें, बहुत चीपर रेट्स में ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। प्लस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इन वीकली मार्केट शॉप ओनर स्टोर देयर प्रोडक्ट्स एट देयर होम, तो यानी कि जितना भी सामान होता है सुबह दिन में तो ये लोग अपना सारा सामान लगा देते हैं रोड सड़क के किनारे, शाम होते होते तक सारी चीजें पैक कर देते हैं, और ये सारा पैक करके सामान ये लोग अपने घर ले जाते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक गोडाउन नहीं है, कोई स्टोर हाउस नहीं है जहाँ पे ये सामान उनको स्टोर करना पड़ता है। आया, लगाया सारा सामान, शाम होते होते तक सब पैक किया और वापस अपने घर चले गए, और अगले दिन की वही सेम राम कहानी रहती है। सो वीकली मार्केट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स, हेंस देयर इज कॉम्पिटिशन अमंगस्ट देम। जैसे कि मैंने बताया कि वीकली मार्केट्स में जो है हमारी जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें होती है वो बेची जाती है। अब बहुत सारे लोग लंबा लंबा वीकली मार्केट लगता है और बहुत सारे लोग वही सेम चीज नहीं बेच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग वही सेम साबुन, कंघा, तेल वगैरह, मसाले, ये सारी चीजें ही बेच रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम चीजें बेच रहे होते हैं तो एक वो जो इंडियन क्वालिटी रहती है ना हमारी बार्गेनिंग करने की, वो बहुत इजीली पॉसिबल होता है। बिकॉज हम क्या करेंगे, आपने अगर सही रेट नहीं लगाए हम आगे बढ़ जाएंगे, तो भैया देख लो आपको सही रेट लगाने हैं तो ठीक है, वरना हम दूसरे से खरीद लेंगे। तो ऐसा जो बार्गेनिंग कर जो बार्गेनिंग की जो ट्रिक रहती है बहुत इजीली पॉसिबल होती है वीकली मार्केट्स में, बिकॉज देयर इज अ लार्ज कॉम्पिटिशन, बहुत सारे लोग सेम ही चीज सेल कर रहे होते हैं, तो काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है कि अगर आप हमें रीजनेबल रेट्स में नहीं देंगे तो हम उनसे जाके खरीद लेंगे, राइट? तो एक बार्गेनिंग बहुत पॉसिबल होती है यहाँ पे, जिसके कारण जो प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो और कम हो जाते हैं, बहुत रीजनेबल लग जाते हैं। सो आई होप वीकली मार्केट जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि वीकली मार्केट्स के क्या फीचर्स हैं। नाउ वील मूव अहेड टू शॉप्स इन आर नेबरहुड, यानी कि नेबरहुड हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में किस टाइप की शॉप्स होती हैं। जितनी भी शॉप्स होती हैं ऑल ऑफ देम कम अंडर शॉप्स इन द नेबरहुड। सो शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आर नेबरहुड आर नोन एज शॉप्स इन आर नेबरहुड। वेरी सिंपल, जो हमारे आसपास जितनी भी दुकानें हैं उनको हम हमारी पड़ोस की लिटरल अगर नेबरहुड का मैं मीनिंग देखूँ तो नेबरहुड मीन्स हमारे पड़ोसी, राइट? हमारे आसपास वाले लोग, हमारे आसपास के एरिया में जितनी भी शॉप्स होती हैं ऑल ऑफ देम आर नोन एज द शॉप्स इन द नेबरहुड। ये शॉप्स परमानेंट हो सकती हैं, वाइल ये शॉप्स सड़क के किनारे भी लगाई जा सकती हैं। सो परमानेंट शॉप्स और वीकली मार्केट्स, जिस भी टाइप की शॉप्स हमारे आसपास के एरिया में लगती हैं या हैं, परमानेंट हैं, उन शॉप्स को हम कहते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड, राइट? तो आप
आपके एरिया में हो सकता है सिर्फ परमानेंट शॉप्स ही हो, आप जिस एरिया में रहते हो तो वहां पे हो सकता है परमानेंट शॉप्स भी हो, और परमानेंट शॉप्स के आगे लोग सड़क पे अपनी यू नो अलग अलग चीजें बेच रहे हो, वैसा भी पॉसिबल है। तो अलग अलग टाइप की शॉप्स जो हमारे आसपास के एरियाज में रहती हैं, वेदर दे आर परमानेंट और वेदर दे आर रोड साइड शॉप्स, रोड साइड स्टॉल्स, कोई ठेले पे भी हो सकता है कोई चीज बेच रहे हो। तो जितनी भी टाइप्स ऑफ शॉप्स हमारे नेबरहुड में हमारे आसपास है उनका हम कहते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड। अब इसके दो फायदे होते हैं, क्या होते हैं? पहला तो ये सारी दुकान क्योंकि हमारे नेबरहुड में यानी कि हमारे पड़ोस में, सो दिस बेसिकली मींस ऑल दीज शॉप्स आर नियर टू आवर हाउस, हमारे घर से बहुत करीब होती है, हमारे घर से बहुत पास होते हैं, इसलिए हम कभी भी जो है पूरे दिन में किसी भी टाइम इन शॉप्स में जाके कुछ भी जो हमें इमरजेंसी के प्रोडक्ट्स होते हैं या घर में कुछ खत्म हो गया है तो हम इन शॉप से कभी भी जाके खरीद सकते हैं। आई एम श्योर आपको आपकी मम्मी ने ब्रेड लेने के लिए तो भगाया ही होगा कि जल्दी जाओ और ब्रेड लेकर ले आओ। आप क्या करते हो, आप मम्मी से मनी लेते हो, है ना, फिर आपके आसपास जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे जो अंकल होते हैं या आंटी होती हैं शॉप की जो ओनर है उनको आप कहते हो कि इस कंपनी की मुझे ब्रेड दे दो, अलग अलग साइज की ब्रेड होती है और आप जो है ब्रेड ले आते हो। सकता है अगर कोई चेंज बच जाता हो तो मेरे जैसे लोग उन बचे हुए पैसों से कोई चिप्स खरीद के या चॉकलेट्स खरीद के ले आते होंगे। तो ये सारी चीजें जो हम यू नो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें क्या हुआ, राइट? तो आपके घर के आसपास कोई शॉप थी, उस जैसे ही आपके घर में कोई डिमांड हुई कि हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए जल्दी से जाके लेकर आओ, तो आप गए और यू नो पास में थी दुकान तो आप पैदल ही चले गए, यू नो यू वॉक टिल द शॉप एंड यू ब्रॉट ऑल द प्रोडक्ट विच एवर यू वॉन्टेड। सो दीज शॉप्स विच आर इन आर नेबरहुड आर वेरी नियर टू आर हाउस, दे आर वेरी नियर टू आर होम्स and we can go there on any day of the week at any time of the week. हम पूरे वीक में किसी भी दिन जाके अपना सामान ला सकते हैं। आपका पेन खत्म हो गया तो आप कभी भी जाके वो पेन भी ला सकते हैं, राइट? तो ये बहुत मेजर एडवांटेज है द शॉप विच आर प्रेजेंट इन आर नेबरहुड, क्योंकि हमारे घर के पास है तो वी कैन गो देयर एनी टाइम ऑन एनी डे ऑफ द वीक, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हमारे आसपास के जो एरियाज होते हैं तो जितनी भी हमारी यू नो नेचुरल चीजें जो हमें डेली बेसिस पे लगती है हम कभी भी जाके इन सेम शॉप्स होती हैं तो वहां से जाके ले आते हैं। तब क्या होता है, ओवर द ईयर्स हम सेम शॉप पे ही जाते हैं तो जो शॉप ओनर्स होते हैं वो हमें पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर है, और कभी आप पैसे भूल जाते हो तो यू नो वो उधार पे भी देते हैं कि ठीक है बेटा नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो पैसे पहले के लिए आना, अभी तो ले जाओ, राइट? तो ये जो उधारी है यार, इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ दैट इज नोन एज क्रेडिट, क्रेडिट सिस्टम, यानी कि उधारी के बेसिस पे भी जो हमारे आसपास की दुकानें हैं वहां पे जो है चीजों को सेल किया जाता है। दुकानदार जो है बड़ी इजीली दे देते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम आपके पास जब भी पैसे हो या जितने भी पैसे कम है आप आते जाते कभी भी दे जाना, या नेक्स्ट टाइम जब आप शॉप पे आओगे तो पहले के पैसे ले आना। सो यूजुअली बायर एंड सेलर, बायर यानी कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं एंड सेलर जो वो सामान बेचते हैं, सो बायर एंड सेलर नो ईच अदर ओवर द ईयर्स ऑब्वियसली, एंड दीज शॉप्स देयरफॉर प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार के बेसिस पे भी जो गुड्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दे दिया जाता है कि ठीक है आपको हम जानते हैं आप रेगुलर कस्टमर हो, नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तब पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड्स ऑन क्रेडिट का बेसिकली यही मतलब होता है दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर। अगर आपने 10 रुपए का पेन खरीदा और आप 10 रुपए लाना भूल गए, और अगर आपका शॉप जो ओनर है जो वो पेन बेच रहे हैं अगर वो आपको जानते हैं तो दिल भी लाइक ठीक है बेटा नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो दे देना, अभी तो आप ऐसे ही ले जाना। दैट इज बिकॉज द बायर एंड सेलर नो ईच अदर, सेलर को पता है कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर है कहीं और नहीं जाएगा, पैसे जो है बाद में दे सकता है। तो ये जो है बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड के, जो यूजुअली वीकली मार्केट्स में नहीं होता, बिकॉज वीकली मार्केट्स वीक के किसी एक पर्टिकुलर दिन लगता है और अगर तब हमने उनको उसी टाइम पे पैसे नहीं दिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द पर्सन नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले वीक के उस पर्टिकुलर दिन वो मार्केट लगेगा। तो क्रेडिट सिस्टम जो है वीकली मार्केट्स में नहीं पॉसिबल, प्लस आगे और हम मार्केट्स पढ़ेंगे
क्या वहां पे क्रेडिट सिस्टम पॉसिबल होगा, तो वो भी हम देखेंगे. सो द नेक्स्ट काइंड ऑफ मार्केट दैट वील बी स्टडिंग इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स. मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे मुझे आपको ये एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मॉल्स क्या होते हैं, बिकॉज आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा. बिकॉज आज के टाइम पे आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हम सब मॉल्स तो एक ना एक बार तो गए हुए हैं, भले ही हमने कुछ खरीदा ना हो मॉल से, बट हम एक बार तो मॉल के अंदर गए हुए ही हैं. सो मार्केट्स इन द अर्बन एरिया हैव मेनी शॉप्स विच इज नोन एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. अर्बन एरियाज होते हैं यानी कि बड़ी सिटीज. तो बड़ी सिटीज में जो मार्केट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं उनको कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. और जो लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती है, मल्टी स्टोरीड यानी बहुत सारी फ्लोर्स जहाँ पे होती है और पूरा एयर कंडीशन बिल्डिंग होती है और हर जगह शॉप से शॉप्स होती हैं अलग अलग फ्लोर्स पे, तो ऐसी बिल्डिंग्स को हम कहते हैं मॉल्स. आई होप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी. एंड आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि आप दोनों ही जगह विजिट करे हुए होंगे. आई एम अज्यूमिंग दैट यू मस्ट हैव विजिटेड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ. आपने मॉल्स भी विजिट किया होगा एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ. नाउ मूविंग अहेड, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स होते हैं यानी कि ये जो अर्बन मार्केट्स यानी कि शहरों में जो ये इतने हाई फाई मार्केट्स होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दो टाइप के गुड्स मिलते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. एक ब्रांड क्या होता है, वी हैव डिस्कस दिस वेरी मच इन डिटेल इन द प्रीवियस चैप्टर्स. सो इफ यू हैवंट वॉच दैट चैप्टर प्लीज गो एंड वॉच द चैप्टर विच इज ऑन ब्रांड्स. आई एम श्योर अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आपके लिए थोड़ा सा ब्रांड्स एंड नॉन ब्रांड्स को समझना, ब्रांडेड गुड्स एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, नॉन ब्रांडेड गुड्स एक्सपेंसिव इतने क्यों नहीं होते, ये सब समझना आपके लिए बहुत ईजी होगा इफ यू गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज वेर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डेप्थ वेरी इन डिटेल वट एग्जैक्टली आर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, हाउ अ ब्रांड इज बिल्ड, हाउ कंपनी बिल्ड्स अ ब्रांड. तो ये सब चीजें अगर बाय चांस आपने मिस कर दी है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. यू कैन इजीली वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, वहां पे मैंने इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो इन अर्बन मार्केट्स वेयर देयर आर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वेयर देयर आर मॉल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. अब क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स जिनकी यू नो कंपनी एडवर्टीजमेंट्स करती है, बेटर क्वालिटी सारी फीचर्स बताती है, और कभी कभी हो सकता है हमारी जो फेवरेट सेलिब्रिटीज है, कोई फेवरेट क्रिकेटर है या कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है, वो भी इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट करती है. इस कारण से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज दे गारंटी अ क्वालिटी प्रोडक्ट. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जब हम सुनते हैं तो हमें ये पता होता है कि अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. तो इस कारण से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव बहुत महंगे होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड टू बाय सच प्रोडक्ट्स. कुछ लिमिटेड लोग ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, 2,000, 3,000 या इससे भी ज्यादा के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. सो वेरी फ्यू पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड्स अनलाइक द नॉन ब्रांडेड वंस, बिकॉज नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कोई टाइप का एडवर्टीजमेंट नहीं होता, प्लस उनकी जो क्वालिटी है ऐसा समझा जाता है कि ब्रांडेड गुड्स जितनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो इस कारण से वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, दे आर एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस विच इज काइंड ऑफ अफोर्डेबल. सो ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर यूजुअली सोल्ड एट अ वेरी चीपर प्राइस. एंड जितने भी अर्बन कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, ये अर्बन एरियाज में बहुत फ्रीक्वेंटली यू नो यू कैन ईजिली फाइंड मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इन लार्ज सिटीज. तो अगर अर्बन एरिया मार्केट्स पे अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन ईजिली राइट अबाउट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स. आई होप आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स क्लियर होगा. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द चेन ऑफ मार्केट, जो हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड दैट इज चेन ऑफ मार्केट्स. तो क्या होते हैं ये चेन ऑफ मार्केट्स? चेन तो हमें पता है, यू नो जब काफी चीजें एक साथ जुड़ी हुई होती है तो उसे हम कहते हैं चेन.
अब मार्केट, चेन ऑफ मार्केट्स, तो इससे सीधा सीधा हमें यही पता चलता है कि जब अलग अलग टाइप के मार्केट्स यू नो एक प्रोसेस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं चेन ऑफ मार्केट्स. बट हाउ इज दिस चेन ऑफ मार्केट्स फॉर्म, हाउ आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउ आर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स यू नो रिलेटेड टू ईच अदर, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. तो क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं. सो सम प्रोडक्ट्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज, सम प्रोडक्ट्स आर मेड इन द फार्म्स, एंड कुछ प्रोडक्ट्स लोगों के घर में बनते हैं. पर जब हम इन प्रोडक्ट्स को खरीदना जाते हैं तो हम सीधा फैक्ट्री नहीं जाते हैं या किसी के फार्म पे नहीं जाते हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए, हम जाते हैं शॉप्स पे. तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनते किसी फैक्ट्री में हैं और हम जाके खरीदते हैं हमारे आसपास की किसी शॉप पे. तो ये फैक्ट्री से लेके शॉप तक पहुंचते कैसे हैं, कितने सारे मार्केट्स इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री से किसी की शॉप तक पहुंचाने के लिए, वो सारे मार्केट्स हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट्स के थ्रू. तो क्या होता है, पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर नोन एज ट्रेडर्स. यानी कि प्रोड्यूसर जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर. और फाइनल कंज्यूमर जैसे हम, यानी कि हम और आप, जो हम उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, राइट. तो जैसे अगर मैं कहूँ कि एक चिप्स का पैकेट है, अब वो चिप्स किसी फैक्ट्री में बन रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट्री में जाके अब वो चिप्स का पैकेट तो नहीं खरीदूंगी, मैं जो अपने घर के आसपास जो शॉप्स हैं, शॉप्स इन द नेबरहुड, वहां पे जाके वो चिप्स खरीदूंगी, राइट. अब ये चिप्स जिस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुए और मेरे, यानी कि जो मैं हूँ फाइनल कंज्यूमर जो उस चिप्स को खरीद रहे हैं, सो प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में जो होते हैं उनको कहते हैं ट्रेडर्स. और बहुत सारे मार्केट्स में जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग होती है वो अलग अलग ट्रेडर्स के बीच में होती है. ऐसे टाइप के ट्रेडर्स होते हैं विच आर नोन एज होल सेल ट्रेडर्स, जो कि बहुत सारी लार्ज क्वांटिटीज में जो है इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं. तो होल सेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, दे गो टू द फैक्ट्री, वो हो सकता है यू नो लार्ज बॉक्सेस में बहुत सारे चिप्स खरीदे. ये एक चिप्स नहीं खरीदते, ये 10 चिप नहीं चिप्स के पैकेट नहीं खरीदते, ये 20 चिप्स के पैकेट भी नहीं खरीदते, ये फैक्ट्री में जाके सीधे 50 पैकेट, सीधे 100 पैकेट या उससे भी ज्यादा पैकेट चिप्स के खरीद के ले आते हैं. फिर ये होलसेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस और अलग अलग दुकानदारों को, यानी कि अलग अलग शॉप्स पे वो पैकेट्स दे देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल होलसेल ट्रेडर्स ने फैक्ट्री से जाके अराउंड 100 चिप्स के पैकेट खरीद लिए. अब इन होलसेल ट्रेडर्स ने क्या किया, ये अक्रॉस द सिटी अलग अलग शॉप ओनर्स के पास गए. शॉप ओनर ए को इनने 10 चिप्स के पैकेट दे दिए, शॉप ओनर बी को इनने 25 चिप्स के पैकेट दे दिए. ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग शॉप ओनर्स को जितनी उनकी क्वांटिटी जो होती है अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो थ्रू दीज होल सेल ट्रेडर्स गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे जो है ये जो गुड्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये पहुंच जाते हैं. एंड द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल दीज टू कंज्यूमर्स, यानी कि जो भैया या जो अंकल या जो आंटी मुझे जिस शॉप पे वो चिप्स का पैकेट मुझे दे रहे हैं उनको हम कहते हैं रिटेलर्स, यानी कि जिनसे हम ये प्रोडक्ट्स फाइनली खरीदते हैं उनको कहा जाता है रिटेलर्स. तो आई होप एक यू नो आप ध्यान से देखेंगे तो एक चेन ऑफ मार्केट बन जाएगी. एक फैक्ट्री पे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन फैक्ट्री से होलसेल ट्रेडर्स वो प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, फिर होलसेल ट्रेडर्स अलग अलग जाके अलग अलग शॉप्स पे जो है अलग अलग ट्रेडर्स को वो सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड फाइनली जो ट्रेडर्स हमें वो सामान बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं रिटेलर्स. सो रिटेलर कैन बी अ ट्रेडर हु कैन बी यू नो अ ट्रेडर इन वीकली मार्केट और अ हॉकर इन नेबरहुड शॉप और शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. तो इन सबको हम रिटेलर कहते हैं, यानी कि हमारे आस पास जो शॉप्स हैं उनके जो मालिक हैं, उनके जो शॉप ओनर्स हैं, वो भी रिटेलर्स कहलाएंगे. जो वीकली मार्केट में रोड साइड में अपना सामान बेचते हैं वो भी रिटेलर कहलाएंगे. प्लस जो शॉपिंग मॉल्स में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमें बेच रहे हैं वो भी रिटेलर्स कहलाएंगे, बिकॉज ये जो ही सामान ये सब लोग बेच रहे हैं दे हैव
receive that product from wholesale traders who in turn receive that product from the factories, यानी कि जहाँ पे वो products बन रहे हैं. So हर product के लिए एक similar chain ही follow की जाती है. मैंने तो आपको chips का example दिया था, but आपके आसपास जितने भी products आपको दिख रहे हैं, आप chocolates की बात कीजिए तो same process ही follow होगा. Chocolate जो बनी factory में बनी, फिर फैक्ट्री से किसी होलसेल ट्रेडर्स ने बहुत सारी क्वांटिटी में उन चॉकलेट्स को खरीद लिया, फिर अलग अलग शॉप्स में जाके उन चॉकलेट्स को दे दिया, और हमने जो है उन शॉप से जाके उन चॉकलेट्स को खरीद लिया. तो ये पूरे चेन ऑफ मार्केट बन रहा है, एंड ये जो चेन ऑफ मार्केट है दैट इज प्रेजेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट. मैं चिप्स की बात करूँ, मैं चॉकलेट्स की बात करूँ, मैं लैपटॉप की बात करूँ, या फिर मैं मेरे सामने जो एक टीवी लगा हुआ है उसकी भी बात करूँ, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे आसपास हैं सबकी चेन ऑफ मार्केट सेम है. फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन फैक्ट्री से कोई होलसेल ट्रेडर्स जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, और फिर वो जाके रिटेलर्स को वो सारा सामान बेच देते हैं, एंड हम जो कंज्यूमर्स हैं फाइनली दे गो एंड बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज रिटेलर्स. तो आई होप आपको चेन ऑफ मार्केट एकदम अच्छे से क्लियर होगा. बट फिर भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दैट थ्रू दीज चेन ऑफ मार्केट्स व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रीचेस द पीपल एवरीवेयर. जो एक जगह पे प्रोड्यूस होता है वो कैसे जाके अलग अलग जगहों पे लोगों को मिलता है, दैट इज चेन ऑफ मार्केट. और हम फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सो हर सिटी हर स्टेट में एक होलसेल मार्केट होता है जहाँ पे जो है सीधा जो है फैक्ट्री से सामान पहुंचता है होलसेल मार्केट्स में. सो एवरी सिटी हैज होलसेल मार्केट्स वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड देन दीज गुड्स आर सप्लाई टू डिफरेंट ट्रेडर्स. अब हम एग्जांपल बात करेंगे एक फार्मर की, यानी कि किसान की, एंड हाउ दे यूज फर्टिलाइजर. सो फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स, ये हम सबको पता है, हमने साइंस में भी पढ़ा है और सिक्स स्टैंडर्ड में भी हमें पता है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट टू द फार्मर. द फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो देयर क्रॉप्स एंड ही परचेजेस दीज फर्टिलाइजर्स फ्रॉम स्पेशल शॉप्स इन द मार्केट. यानी कि फर्टिलाइजर हर कहीं जगह तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली फार्मर्स की कोई स्पेसिफिक किसानी या खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई शॉप होगी जहाँ पे फार्मर्स को जो है अपने फर्टिलाइजर वहाँ जाके खरीदने पड़ेंगे. अब उन शॉप्स पे वो फर्टिलाइजर्स कहाँ से आए, सो दी शॉप ओनर्स गेट देम फ्रॉम द फैक्ट्रीज, राइट. तो इस कारण से अगर मैं एक जनरल बात करूं तो हम जैसे आपके और मेरे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं हम सीधा फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, हमें सिर्फ वो चिप्स का पैकेट देखते हैं, हमें सिर्फ वो सीधा चॉकलेट का बार देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि अगर उस शॉप तक वो चिप्स पहुंचा है या चॉकलेट क्या बार पहुंचा है तो उसके पीछे कितना लंबा प्रोसीजर होगा उस चॉकलेट को शॉप तक पहुंचने का, राइट. सो जो फार्मर है वो फर्टिलाइजर जो है पर्टिकुलर शॉप से खरीदता है, उस शॉप में वो फर्टिलाइजर कहाँ से आता है, तो वो जो शॉप ओनर है वो सीधा फैक्ट्री से लेकर आता है और फैक्ट्री में जो है वो सीधा फर्टिलाइजर बनते हैं. सो बेसिकली वी डोंट सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग दैट हैपेंस बिहाइंड अ प्रोडक्ट, वी ओनली सी द फाइनल प्रोडक्ट. हमें सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट दिखता है एज कंज्यूमर्स, हमें नहीं पता होता कि कितने प्रोसीजर से कितने स्टेप से वो प्रोडक्ट उस शॉप तक पहुंचा है. सो आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप चिप्स का पैकेट खरीदने जाओगे या कोई चॉकलेट खरीदने जाओगे या इवन पेन या पेंसिल खरीदने जाओगे तो आपको पता होगा कि वो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो शॉप तक कैसे पहुंचा होगा, कितने सारे प्रोसीजर उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचने में लगे होंगे. तो आई होप नेक्स्ट टाइम से आपको क्लियर होगा. एंड ये जो अलग अलग चेन बन जाती है मार्केट्स की, होलसेलर से रिटेलर तक एंड रिटेलर से कंज्यूमर तक, ये जो पूरी एक मार्केट की चेन बनती है इसे हम कहते हैं चेन ऑफ मार्केट्स. तो आई होप आपको ये क्लियर होगी. And now we come towards the last part of this chapter, last topic of this chapter, and that is market and equality. हम almost हर chapter में जो भी topic हमने पढ़ा है हर chapter का last topic यही होता है so and equality. हमने पढ़ा mass communication and equality या फिर markets and equality. जितने भी chapters अभी तक हमने पढ़ा है उसका last topic equality से ही related होता है.
एंड फॉलोइंग द ट्रेंड हम इस चैप्टर में भी मार्केट एंड इक्वालिटी टॉपिक को देखने वाले हैं कि मार्केट्स में इक्वालिटी रहती भी है या नहीं रहती है। तो हमने बात करी थी वीकली मार्केट शॉप ओनर्स की, यानी कि जो यू नो रोड साइड पे अपने सारी शॉप्स लगा देते हैं और वीक में किसी एक दिन ही वीकली मार्केट लगता है, तो उन शॉप ओनर्स की हम बात करेंगे एंड विल कंपेयर देम विद द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉप ओनर्स, यानी कि जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं अर्बन एरियाज में, उन शॉप ओनर्स और एक वीकली मार्केट के शॉप ओनर में क्या डिफरेंस होता है। तो इन डिफरेंस को देखते देखते हमें सारी कितनी इनइक्वालिटी है मार्केट में भी वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहले हम बात करेंगे वीकली मार्केट शॉप ओनर की। सो वीकली मार्केट शॉप ओनर्स आर स्मॉल ट्रेडर्स विद वेरी लिटिल मनी टू रन द शॉप। हमें ये पता है कि वो जो है वीकली मार्केट्स में वैसे ही बहुत सारा कंपटीशन होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत रीजनेबल और कम प्राइस पे बेचे जाते हैं, प्लस इन शॉप ओनर्स की कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, दे डोंट हैव टू पे द बिल, दे डोंट हैव टू पे एनी यू नो रेंट, दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। तो जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं यानी कि जो वीकली मार्केट के जो शॉप ओनर्स होते हैं उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं टू रन देयर शॉप। बट इफ़ आई कंपेयर देम विद द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉप ओनर्स, तो जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रांडेड होते हैं काफ़ी एंड दे आर यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव, सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेटअप देयर शॉप्स। जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे या आप किसी मॉल में भी जाएंगे तो वहाँ की जो शॉप्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर शॉप्स। तो वहाँ के जो शॉप ओनर्स हैं दे इन्वेस्ट, दे पुट इन अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप देयर शॉप्स अनलाइक द वीकली मार्केट शॉप ओनर्स। दूसरा डिफरेंस जो एक वीकली मार्केट शॉप ओनर में और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप ओनर में होता है, तो जो वीकली मार्केट का शॉप ओनर होता है दे अर्न वेरी लेस एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट्स ऑफ रेगुलर शॉप ओनर्स इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि जितना प्रॉफिट एक वीकली मार्केट के शॉप ओनर को होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट्स ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप ओनर्स, यानी कि जो बड़े 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 मॉल्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ के जो शॉप ओनर्स होते हैं यू नो दे अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, दे आर यूजुअली इन प्रॉफिट। बट जो वीकली मार्केट्स के शॉप ओनर्स होते हैं दे अर्न वेरी लिटिल, दे हैव वेरी लिटिल मनी टू ओपन देयर शॉप्स, इसके कारण से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो हमें एक साफ इनइक्वालिटी दिखती है कि कितने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वीकली मार्केट के शॉप ओनर्स के पास और कितने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं यू नो कितनी सारी प्रॉफिट में होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के शॉप ओनर्स। ये तो बात हुई शॉप ओनर्स की, बट इवन जो बायर्स होते हैं यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं, आप और मेरे जैसे लोग जो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, सो बायर्स आर ऑल्सो डिफरेंटली प्लेस्ड। सो देर आर सम बायर्स, देर आर सम कंज्यूमर्स हु कैन buy all these expensive and branded products from the shopping complexes and from these urban markets and malls. But kuch log hote hain who cannot afford these even cheapest goods and jo saste se saste products hote hain, kuch log aise hote hain jo wo bhi nahi khareed paate hain aur kuch aise hote hain jo seedha mall mein jaake shopping karte hain. So jitne bhi buyers hote hain yani ki consumers, aap aur mere jaise log jo products khareedte hain और जो सेलर्स होते हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमें बेचते हैं, जो लोग हमें ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सो दस बायर्स एंड सेलर्स इन डिफरेंट मार्केट्स डिपेंड ऑन द मनी दे हैव। हम लोगों के पास कितने पैसे, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। इफ वी आर रिच वी कैन ईजिली गो टू द शॉपिंग मॉल, वी कैन ईजिली गो टू शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड वी कैन बाई दीज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। बट अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं देन हम ये जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीपर रेट्स पे वीकली मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो चीज़ें खरीदते हैं। और कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स हो सकते हैं जो यू नो इन प्रोडक्ट्स को भी, वीकली मार्केट्स के प्रोडक्ट्स को भी ना खरीद पाए। सो बायर्स एंड सेलर्स इन डिफरेंट मार्केट्स आर डिफरेंट एंड ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मनी द बायर हैव एंड द काइंड ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ मनी द सेलर हैव। सो आई होप इस चैप्टर में आपको सब क्लियर होगा। दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट मार्केट्स, द काइंड ऑफ मार्केट्स दैट ऑल अराउंड अस,
weekly markets, shops in the neighborhood, shopping complexes, the chain of markets, malls, market inequality, ये सब हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया है. एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये पूरा चैप्टर. इस चैप्टर से यूजुअली लॉन्ग टाइप आंसर्स आते हैं कि बताओ वीकली मार्केट्स के फीचर्स बताओ, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अर्बन मार्केट्स के फीचर्स बताओ, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेन ऑफ मार्केट्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल. सो यूजुअली इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा नहीं है शॉर्ट टाइम फिल इन द ब्लैंक्स आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भी, एमसीक्यूज आ सकते हैं, वन मार्क का क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट यूजुअली जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं. शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वीकली मार्केट्स और चेन ऑफ मार्केट्स और मार्केट एंड इक्वालिटी. तो ये चैप्टर जो है बहुत स्कोरिंग है अगर एक बार बिल्कुल यू नो लॉजिक के साथ हम समझ लें, आसपास जो हमारी मार्केट्स हैं उन चीजों से रिलेट करके अगर हम समझ लें, देन देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर. इट्स अ टोटली वेरी इजी वेरी सिंपल चैप्टर. सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको मुझसे इंटरैक्ट करना है, देन यू हैव टू कम टू द स्पेशल क्लासेस. अभी स्पेशल क्लासेस कहाँ लगती है? सो स्पेशल क्लासेस लगती है अन अकेडमी के लर्नर्स ऐप पे, एंड दीज आर एब्सोल्युटली फ्री. तो आप बिल्कुल आराम से स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. आपको सिर्फ जो है अन अकेडमी के लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. एंड क्या क्या बेनिफिट्स होंगे स्पेशल क्लासेस में, तो पहला तो मैंने बता ही दिया, यू गेट टू इंटरैक्ट विद मी. आप एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, आप इमोजीज भेज सकते हैं, प्लस आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस, क्विज हो सकते हैं, और आप जो है मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज प्री रिकॉर्डेड वीडियो. ये पहले से ही मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और यूट्यूब पे डाल दिया गया है. तो यहाँ पे जो है इंटरेक्शन नहीं है. यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछ भी लूँ तो आप मुझे पता नहीं चलेगा आपके आंसर्स क्या है, राइट? तो अगर आपको मेरे क्वेश्चंस आंसर करने हैं, अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्विज में पार्टिसिपेट करने हैं, अगर आपको मुझसे इंटरेक्ट करने हैं, डाउट्स पूछने हैं, तो देन यू नीड टू हेड ऑन टू द स्पेशल क्लासेस विच आर एब्सोल्युटली फ्री, एंड यू कैन अटेंड दी स्पेशल क्लासेस एट द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप. नाउ मूविंग अहेड टू द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स. इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, एंड आई होप यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो because I'll be telling you the features of the different subscription plans of an academy aur kya price hai in subscription ki wo sab main cover karne wali hu. so starting with the an academy plus subscription. abhi plus subscription ka kya features hai, kya benefits hai? to plus subscription agar aap lete hain to you get to learn from the top educators of india. ji ha, you get to learn from the finest educators of india who are highly qualified in their respective subjects in their respective course. to aapko aise acche educators jo top educators hain india ke unse padhne ka mauka milta hai, plus regular doubt clearing sessions hote hain. you get unlimited access to all the courses. agar aap plus subscription le sakte hain to you know aapko jitne course padhne hain, jitne subject padhne hain, वो सब आप उस पैकेज के टाइम पीरियड ड्यूरेशन के टाइम पे अनलिमिटेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. प्लस पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में कवर किया जाता है प्लस सब्सक्रिप्शन पे. यू गेट अ मेंटोर जो आपको गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, हाउ यू कैन इम्प्रूव. इसके अलावा अनअकैडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन अनअकैडमी ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद द स्टडी मटीरियल. यानी कि आपको कहीं पे भी यू नो एकदम एंशियस होके नर्वसली एग्जाम से पहले यू नो इंटरनेट पे गूगल बाबा पे यू नो अपना रीडिंग मटेरियल सर्च करने की जरूरत नहीं है. अनअकैडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा. प्लस अनअकैडमी पे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, डेली एमसीक्यूज होते हैं, लाइव क्विज होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था अगर एक बार आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो विद इन अ वीक आपको अपने रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, एंड दैट्स अ गारंटी. अब क्वेश्चन आता है अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स चाहिए, बेनिफिट से भी बड़ा क्वेश्चन आता है अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने, अगर आपको अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करने, इफ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ, देन आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. बिकॉज जितने बेनिफिट अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है उतना और कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्राइस आपकी स्क्रीन पे है. अलग अलग पैकेजेस हैं, सो देयर इज अ 6 मंथ पैकेज, देयर इज अ 12 मंथ पैकेज,
there's a 15 month package, 18 month package, 24 month package. If you want to take whichever package as per your convenience, you can buy them. ये सब आपको अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे करना होगा. एंड अगर आपको ये जो प्राइस है अलग अलग पैकेज के, अगर इस पे 10% डिस्काउंट चाहिए, देन यू हैव टू यूज माई कोड, दैट इज PJAIN10. बिकॉज इफ यू यूज माई कोड, देन यू स्ट्रेट अवे गेट 10% ऑफ, फ्लैट 10% ऑफ. आपको जो भी पैकेज लेना हो, जितना भी मंथ्स का पैकेज चाहिए एज पर योर कन्वीनियंस, आप आराम से ले सकते हैं. और उस पर 10% और ऑफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी मेरे कोड से. तो यहाँ पे जो है बेनिफिट ही बेनिफिट है और फायदा सिर्फ आपका है, क्योंकि हम तो पूरी मेहनत करेंगे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने की. बट क्या आप एक्चुअल में चाहते हैं अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करना? बिकॉज अगर आप एक्चुअल में अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में. तो सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द पैकेजेस, एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन विच यू वॉन्ट. एक टाइप का सब्सक्रिप्शन और होता है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब आप सोच रहे होंगे, अभी तो इन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन बताया, अभी एक और सब्सक्रिप्शन बतानी है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, राइट? नाउ द ट्रेन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अहमदाबाद, राइट? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गया. अब इस ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट्स भी है, थर्ड एसी भी है, फर्स्ट एसी भी है. ट्रेन आपको अहमदाबाद ही पहुंचाएगी जम्मू से, ऐसा नहीं अगर आप जनरल यू नो कंपार्टमेंट में पहुंच जाओगे तो आपको ट्रेन बॉम्बे पहुंचा देगी, और अगर आप फर्स्ट एसी में बैठोगे तो अहमदाबाद ही पहुंचोगे, ऐसा नहीं है. पूरी ट्रेन अहमदाबाद ही जाएगी, राइट? बट फिर भी कुछ लोग जनरल कंपार्टमेंट के टिकट्स लेते हैं, कुछ लोग थर्ड एसी के लेते हैं, कुछ सेकेंड एसी के, और कुछ फर्स्ट एसी के टिकट्स रिजर्वेशन कराते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स इट कम्स डाउन टू द बेनिफिट्स, टू द कंफर्ट्स वी गेट. जनरल कंपार्टमेंट में इतने बेनिफिट्स नहीं होंगे जितने फर्स्ट एसी में होंगे. तो उसको हमें ऐसे ही समझना है, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो थर्ड एसी का कंपार्टमेंट है, और जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट है. यानी कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको थोड़े से बेनिफिट्स और मिलेंगे. वो बेनिफिट्स क्या है? तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, यानी कि आपको एक यू नो मेंटर सिर्फ जो आपके लिए होगा, एक पर्सनली आपको एक मेंटर मिलेगा. Will guide you, will you know, guide you like a friend. आपको सारी अच्छे से आपको you know guidance मिलेगी, like जैसे कोई आपका friend ही आपको guidance दे रहा हो, और सारी guidance बहुत अच्छी होगी. Plus यहाँ पे आपको live doubt clearing sessions होंगे, doubt solving sessions होंगे, where you can solve your doubts in a live class. तो आपको you know पूरे week में रुकने की जरूरत नहीं है कि आज Saturday को जो है sir doubt classes लेंगे. आपको जब डाउट है आप सॉल्व कर सकते हैं इन लाइव क्लासेस. प्लस अनअकैडमी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन यू विल आल्सो बी गेटिंग वीकली रिपोर्ट्स वेयर यू कैन एनालाइज योर ओन परफॉर्मेंस ऑन अ वीक टू वीक बेसिस, कि थ्रू आउट द वीक आपने कहाँ इम्प्रूव किया, किन एरियाज में इम्प्रूव किया, कहाँ आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, वेयर यू हैव रियली डन वेल, वॉट ऑल यू कैन डू टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. तो ऐसी पूरी एक वीकली रिपोर्ट अनअकैडमी आपको बना के देगा इफ यू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसके अलावा पेरेंट कनेक्ट भी होगा, वेयर द एजुकेटर्स एंड योर पेरेंट्स यू नो मीट, एंड पेरेंट्स आस्क देयर ऑल काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेश्चंस, कि मुझे अपने बच्चे को आगे किस फील्ड में भेजना चाहिए, क्या मुझे प्रिपेयर करवाना चाहिए. सो ये सारी चीजें अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे ही पॉसिबल है, जहाँ पे ना केवल बच्चों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं बट उनके पेरेंट्स के भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, राइट? इसके अलावा अनअकैडमी पूरा आपको स्टडी प्लानर बना के भी देगा, वेयर द विच इज बेसिकली अ स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज, कि आप मंथली बेसिस पे यू नो ट्रैक कर सकते हैं अपनी स्टडीज. तो स्टडी प्लानर में अनअकैडमी बता देगा कि पूरे मंथ में भैया ये चैप्टर्स तुम्हें ऐसे ऐसे कवर करना है. अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं कि जैसा प्लानर में लिखा है, क्या मेरी स्पीड वैसे ही चल रही है, क्या मेरे चैप्टर्स वैसे ही सारे कवर हो रहे हैं. इसके अलावा जितने भी प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स थे, वो सारे फीचर्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तो ऐसे ही ऑब्वियसली यू नो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपको मिल जाएंगे. तो ये सारे फीचर्स थे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के. एंड अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, तो अगेन अलग अलग पैकेजेस हैं, उनके अलग अलग प्राइसेस हैं, और अगर उन प्राइस पे आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा.
ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना कैसे है, सो यू हैव टू गो, यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप। वहां पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों ही सब्सक्रिप्शन के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं और उनके प्राइस भी अलग है। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइस आपकी स्क्रीन पे है, और अगर आप यू नो स्क्रीन के एकदम एक्सट्रीम साइड पे देखेंगे तो आपको जो है 10% डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो दिखेंगे, और ये 10% डिस्काउंट आपको मेरा कोड यूज करने से मिलेगा। सो अनअकैडमी में तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। आप किस बात की देर कर रहे हो, जस्ट गो टू द अनअकैडमी ऐप, सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द कोर्स विच यू वांट, टेक द सब्सक्रिप्शन एंड फिर मौज ही मौज है लाइफ जिंगल अला। सो टुगेदर यू एंड वी कैन क्रैक एनी एग्जाम, सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हू आर इन 7th ग्रेड, और इफ यू थिंक दे वुड बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग द अनअकैडमिक सब्सक्रिप्शन, या उनको ये वीडियो किसी तरह से बेनिफिट करेगा, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एक्वांटेंसेस एंड कजन्स, रिलेटिव्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द अनअकैडमी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।